नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पठेरिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। पन्ना पुलिस ने उनके कथित मोदी को मारो वाले बयान के सिलसिले में हिरासत में लिया है। पूर्व मंत्री राजा पठेरिया ने पन्ना में पीएम की हत्या की बात कहकर बवाल खड़ा कर दिया और भाजपा नेताओं ने उनके इस बयान की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा तक ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर पन्ना पुलिस ने पठेरिया के खिलाफ शांति भंग और वैमनस्य फैलाने के आरोप में FIR दर्ज की थी। राजा पठेरिया का कहना है कि मैंने हत्या करने की बात नहीं कही, बल्कि अगले चुनाव में मोदी को हराने की बात कही है। फ्लो में हो जाता। अलीगढ़ के गांव मुसेरपुर में शहीद दलबीर सिंह के नाम पर स्टेडियम बनवाने को लेकर आज भारतीय किसान एकता फौजी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देते हुए ये मांग की है कि किसान का बेटा जब शहीद हुआ तो सांसद, विधायक और भी बहुत से जनप्रतिनिधियों ने यह वादा किया था कि बहुत जल्द शहीद के नाम पर एक स्टेडियम बनवाया जाएगा, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी कोई स्मारक स्थिर सहित नाम का नहीं बना है। और जिसको लेकर आज जिलाधिकारी से ये मांग है कि और जो किसानों पर फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं उसको भी गंभीरता से लिया जाए। वहीं भारतीय किसान एकता फौजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सज्जन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज DM साहब को ज्ञापन देने आए हैं और आज से 4 साल पहले हमारे फौजी दलबीर सिंह शहीद हो गए थे, जो कि वहां पर BJP के विधायक, जनप्रतिनिधि लोग पहुंचे थे और उन्होंने स्टेडियम बनवाने के लिए बोला था और शहीद दलबीर सिंह की यही इच्छा थी कि गांव में एक स्टेडियम बने, वहां पर बोल कर चले आए। आज तक 4 साल तक गांव की ओर किसी ने भी झांक कर नहीं देखा है। पहली हमारा ज्ञापन ये है DM साहब को हम जो देने आए हैं कि आज से करीब 4 साल पहले हमारे फौजी दलबीर सिंह शहीद हो गए थे, जो कि वहाँ के BJP के विधायक नेता लोग गए स्टेडियम के लिए, बोला गया, उन्होंने बोला हम स्टेडियम बनवाएंगे, क्योंकि दलबीर सिंह की इच्छा थी कि गांव में स्टेडियम बने और वहाँ पर बोल के चले आए। आज तक 4 साल से उन्होंने कोई भी गाँव की तरफ झाँक के नहीं देखा है कि उसके माँ बाप, उसके बच्चे, उसके कैसे हैं, जो कि आज माँ बाप की जिंदगी बहुत ज्यादा बदतर है, अपने कैसे जिंदगी काट रहे हैं। आज तक ना तो कोई अधिकारी गया वहां पे, ना कोई नेता गया लौट के। शहीद दलवीर हुए, उसके बाद में वहां गए, उस वहां वादा कर दिया, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है गांव से। और इसी खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे सहयोगी आकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, स्टेडियम बनाने की बात की गई थी लेकिन अभी तक स्टेडियम नहीं बन पाया है, जिसके बाद ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज से 4 साल पहले थाना लोधा क्षेत्र के गाँव मूसेपुर के रहने वाले दलवीर सिंह जो आर्मी में थे वो जो है शहीद हो गए थे। शहीद होने के बाद जो है उनके वहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुँचे, अधिकारी लोग भी पहुँचे और उन्होंने ये ऐलान किया था कि शहीद के नाम का एक स्टेडियम जो है गांव में बनाया जाएगा, लेकिन 4 साल बीत जाने के बावजूद आज तक ना कोई वहाँ पर स्टेडियम बना, ना ही कोई उनके नाम का स्मारक बना गया, जिसको लेकर के भारतीय किसान एकता फौजी के जो संगठन के जो पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता थे वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे, इकट्ठे होकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन गया और उनको याद दिलाया गया कि शहीद के नाम का एक जो स्टेडियम बनाने का वादा किया गया था वो आज तक नहीं बनाया गया है, जिसको लेकर के आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो भारतीय किसान के जो अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्र, उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए और जो अनावश्यक मुकदमे लिखे जा रहे हैं वो ना लिखे जाए। जी, कई मांगे की गई है आकाश इसमें, जैसे किसानों की कई मांगे हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो किसानों की जो किसान जो किसी मामले की अगर सिफारिश में जाते हैं तो पुलिस के द्वारा उनके साथ अभद्रता की जाती है, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, जिसके नाराज होकर के उन्होंने जो ज्ञापन दिया है, उन्होंने कई बार बताया कि SSP और जिलाधिकारी को कई बार हम अवगत करा चुके हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं कि किसानों पर जो फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं वो ना लिखे जाएं और जो किसानों की मांग है उसको पूरी की जाए।
जी आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो अलीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर भारतीय किसान एकता फौजी का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें आपको कि शहीद होने के बाद ही शहीद के नाम पर स्टेडियम ना बनने से यहां पर ग्रामीण नाराज नजर आए हैं। उन्होंने आक्रोश होकर अपनी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि स्टेडियम बनेगा, लेकिन अभी तक स्टेडियम नहीं बना है, जिसके बाद उनका प्रदर्शन लगातार जारी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में बढ़ते जबरन धर्मांतरण के मामले को देखते हुए सख्त कानून बनाया था। सरकार ने जब जबरन धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश विधि विद्रोह धर्मांतरण प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी तो लगा कि अब धर्मांतरण के मामले में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार धर्मांतरण जैसे मामले सामने आते रहते हैं और पुलिस प्रशासन की लचर कार्यशैली के चलते पीड़ित दर दर भटकते रहते हैं। पूरा मामला बांदा जनपद के थाना कोतवाली देहात से सामने आया है, जहाँ नाबालिग युवती जब शौच के लिए जा रही थी तभी घात लगाए बैठे युवक ने मुंह दबाकर मोटरसाइकिल में बैठा लिया और बस्ती जिला ले गया, और जहां पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। युवती का शारीरिक शोषण भी किया गया और चीखने चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। सूचना मिलते पर पहुंचे परिजन और इसके साथ ही स्थानीय पुलिस ने द्वारा ही उनके द्वारा पीड़ित को घर ले गए, और अब पुलिस द्वारा फिर फर्ज करने की ही बात कही गई है। तो टाल मटोली भी की जा रही है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के बांदा जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन बेदी ने बताया है कि जनपद में धर्मांतरण का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी धर्मांतरण के मामले सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद भी धर्मांतरण जैसे मामले में पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। अब तक 20 से 22 मामले जनपद में हो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में धारा 376 और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा की स्थिति में विश्व हिंदू परिषद और आगे तक जाएगा और पीड़ित को न्याय दिलाएगा। देहात कोतवाली का एक गांव का मैटर है जिसमें ये बिटिया को 4 महीने से ये गायब थी और इसको बहला फुसला कर गांव से ले गए थे। बिटिया की उम्र 17-17.5 साल होगी। उसके बाद ये बिटिया को जब पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया तो पुलिस ने जाके गोंडा बस्ती से इसको इसको बरामद किया। वहाँ पर एक दो बार गई तो वहाँ से इधर उधर कर देते थे और बाकी इससे कहते थे कि तुम जो है मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो और हमसे शादी कर लो, इसके लिए नहीं हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो पुलिस प्रशासन इसको लेके तो आया, उसके बाद लेके आया इसके 164 के बयान भी गए। उसके बाद इसकी डॉक्टरी करवाने में प्रशासन ने लापरवाही की, इसकी डॉक्टरी नहीं और इसके साथ जो भी अनैतिक कार्य हुए होंगे डॉक्टरी होने के बाद पता चलेंगे। वो बिटिया जब अपने मुंह से खुद बयान जा रही है, इसमें हमारी ये प्रशासन से मांग है क्योंकि 20-22 मामले वैसे भी धर्मांतर मतांतरण के बांदा जिले में हो चुके हैं। हमें प्रशासन से ये मांग है कि जो भी इसमें अपराधी हैं उनके ऊपर 376 और पास्को एक्ट की कार्रवाई की जाए। अगर प्रशासन इसमें नहीं जागता तो फिर हम आगे आंदोलन की कार्रवाई करेंगे। अभी तक कितने कुल कितने मामले 22 से 25 मामले लगभग बांदा में हो रहे हैं। पूरी बात यही है कि हमारे एक लड़का था, मैं उससे बात करते थे, वो मुझे बहला फुसला के अपने साथ ले गया और ले जाके मेरे साथ बहुत गलत काम किया। और फिर वहाँ पे बोल रहे थे कि तुम मेरे साथ मुसलमान बन के रहो और मेरे से मुसलमान की तरीके शादी करो। तो मैंने कहा मैं नहीं रहूँगी। क्या धर्म परिवर्तन की बात कर रहा था? हाँ, जबरदस्ती। हाँ, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे जान से मारने की धमकी देते थे। जान से मारने की धमकी? हाँ। आज कहाँ आई? बांदा जिला जवाहरपुर थाना। एसपी ऑफिस? क्या साहब से मिल चुके? हाँ। क्या आश्वासन दिया? क्या कहा साहब ने? कुछ कहा? हाँ। क्या कहा? बोले ठीक है तुम्हारी कार्रवाई की जाएगी। वो कौन लड़का था जिसका जो आपके साथ जिसके साथ यूपी के फतेहपुर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय पर एक दिवसीय धरने पर बैठे उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एंड सुपरवाइजर एसोसिएशन जनपद शाखा फतेहपुर के पदाधिकारियों ने एक दिन का उपवास रखकर अपनी मांगों को पूरा करने की बात करते हुए मुख्यमंत्री के नाम
सीएमओ को ज्ञापन दिया है और जिला मुख्यालय में मौजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर और सुपरवाइजर एसोसिएशन जनपद शाखा फतेहपुर के जिला अध्यक्ष हेमचंद्र चौधरी के ही नेतृत्व में स्वास्थ्य वर्कर ने एबीसी उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि हेमचंद्र चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पुरुष पद के रिक्त 7,500 पदों पर नियुक्त किया जाए, साथ ही प्रदेश स्तर के संघ के पदाधिकारियों का सचिवालय पर प्रवेश पत्र जारी किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 मांगे उनकी और हैं जिनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि एक दिवसीय उपवास रखकर धरना दिया गया है और अगर अभी 5 मांगे पूरी नहीं की जाती तो इससे ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देर रात पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शातिर चोरों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, 17,000 नकदी, 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फिरोजाबाद एसपी सिटी ने आज मामले का खुलासा करने के बाद पकड़े गए दोनों शातिर चोरों को जेल भेज दिया है और फिरोजाबाद पुलिस के गिरफ्त में खड़े व्यक्तियों के नाम हैं सचिन और जितेंद्र उर्फ जीतू, जो थाना टुंडला क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। दोनों शातिर चोरों ने नगर में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है और देर रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बन्ना से काशीराम कॉलोनी जाने वाली सड़क से दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों शातिर चोरों के पास से बड़ी मात्रा में चोरी के सोने चांदी के आभूषण, 17,000 नकदी, 2 तमंचे और इसके साथ ही 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिरोजाबाद एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्र ने इस थाना टुंडला पर खुलासा करते हुए बताया है कि सचिन और जितेंद्र उर्फ जीतू ये दोनों शातिर चोर हैं और ये दिन में बंद मकानों की रेकी किया करते थे और रात में मौका पाते ही चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के पास से बड़ी मात्रा में चोरी के सोने चांदी और आभूषण, 2 तमंचे और 17,000 नकदी जो है वो बरामद कर लिया था। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए दोनों शातिर चोरों को खुलासा करने के बाद जेल भी भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, एसएसपी सर द्वारा लूट, नकबजनी, चोरी के अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई चल रही थी, उसी क्रम में एसएचओ टुंडला की टीम द्वारा नकबजन गिरोह का आज पर्दाफाश किया गया, जिसके 2 सदस्यों को, सचिन और जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी किया गया माल भी बरामद किया गया है। इनके पास से नाजायज असलहा, 17,000 नकद रुपए तथा भारी मात्रा में पीली और सफेद धातु के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। ये एक शातिर किस्म के चोर थे। इनका अपराध करने का तरीका ये था कि ये बंद घरों को टारगेट करते थे, उसकी रेकी करते थे, देखते थे कि इसमें कोई आने जाने वाला नहीं है और बंद है, लाइट भी बंद है, तो ऐसे घरों में चोरी करते थे। निश्चित रूप से इस केस के अलावा सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राम कुमार उर्फ चिंकू यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी कार्यालय से जीएसटी और खाद, बिजली, सड़क, गैस जैसी समस्याओं से परेशान लोगों के लिए समाजवादी नेता और समर्थकों के साथ उत्तर सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डुमरियागंज चौराहे से होते हुए तहसील परिसर में पहुंचकर तहसीलदार डुमरियागंज के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को 5 सूत्रीय ज्ञापन देकर सरकार को चेतावनी दी है। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो गुंडा टैक्स किसानों व्यापारियों से वसूला जा रहा है और व्यापारियों किसानों की समस्याओं को लेकर उग्र आंदोलन होगा। इस पर जब तहसीलदार डुमरियागंज से बात किया गया तो उनका कहना है कि समाजवादी नेता राजकुमार उर्फ चिंकू यादव के द्वारा 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है जिसको महामहिम राज्यपाल को आग्रेषित किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जीएसटी के सवाल पर उनका कहना था कि जो बड़े बकायदा हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, जो छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना डरे दुकानें खोलें और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
पार्टी के नेताओं द्वारा आपको ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को लेकर दिया गया, इस पर किस तरह की कार्रवाई की? कई तरह की मांगे हैं, जीएसटी को लेकर है, फिर तहसील ब्लॉक और पुलिस ऑफिसर्स की कार्यशैली या कार्यप्रणाली को लेकर है, और ये माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन संबोधित है तो इनको प्रेषित कर दिए जाए। सर एक बिंदु और इसमें है, जीएसटी को लेकर मार्केटों में अफरा तफरी है, उस पर लेकर किस तरीके का माहौल, इस समय क्या संदेश? किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसमें अपना सब काम सुचारू रूप से करें, और जीएसटी के भी ऑफिसर्स हैं, अपना वो देख रहे हैं, और जो कोई गलती पे रहेगा उसी के खिलाफ एक्शन वो लोग ले रहे हैं, तो कहीं कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से अपना काम करें और सब अच्छे से करें। आपने देखा होगा ये भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री जीएसटी को लेकर के जनता को तमाम चीजें गिना रहे थे कि जीएसटी लागू हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन आज जो हालत है उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत में जीएसटी का, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत में जीएसटी का, उसका असर यह है कि हफ्तों हफ्ता डुमरियागंज की मार्केटें, सिद्धार्थ नगर की मार्केटें बंद थी। ये प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों को लगा करके गुंडा टैक्स छोटे व्यापारियों से, मध्यम वर्ग के व्यापारियों से सुलवाने का काम कर रही है, और वो जो गुंडा टैक्स है वो जीएसटी के नाम पे, जीएसटी चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर के गोसली विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक डॉक्टर एसपी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तत्कालीन सपा सरकार कर दौरान विधायक और मंत्री रहते हुए डॉक्टर एसपी यादव अपने बेटे के नाम पर खलिहान की जमीन को लीज के जरिए अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफर करवा लिया था और उस पर हाई स्कूल तक चलने वाला एक गर्ल्स कॉलेज स्थापित करवाया था, और शिकायत के बाद इस मामले में जांच शुरू की गई तो मामला सही पाया गया। अब न केवल विद्यालय की जमीन को खलिहान में दर्ज किया गया है बल्कि विधायक के विद्यालय को ही गिराने की और उसकी मान्यता खत्म करने की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही गेसरी से सपा विधायक डॉक्टर एसपी के ही खिलाफ अन्य मामलों में भी जांच चल रही है। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार क्या सपा विधायक पर क्या कार्रवाई करती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों सपा विधायक के इस स्कूल पर बुलडोजर चलता दिखाई दे। देखिए भाई साहब, ये शिकायत मैंने की है एसपी यादव के खिलाफ नहीं, एज ए भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में लिप्त सत्ताधारी, तत्कालीन सत्ताधारी लोग ने एक सरकारी जमीन को, खलिहान की जमीन को विद्यालय प्रबंधन अथवा राकेश यादव उनके जो सुपुत्र हैं उनके नाम से इन्होंने वो करा लिया, क्या कहते हैं उसको, पट्टा करा लिया, पट्टा भी नहीं कराया, क्या कहते हैं उसको, एज ए लीज जो होता है उस टाइप से, जो कि सरासर बुनियादी रूप से गलत था। एक तरफ इन्होंने आज रेलवे बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, ONGC बेच दिया, एल कंपनी बेच दिया, सारा जिला लाल किला तक बेच दिया इन्होंने। गोंडा में घने कोहरे में यात्रियों से भरी डबल टेकर बस खाई में जा पलटी है। आपको बता दें कि डबल टेकर बस दिल्ली से गोंडा आ रही थी और हादसा क्रॉसिंग के पास खराब खड़े ट्रैक्टर से टकराने से हुआ है। हादसे में करीब 15 यात्रियों को चोटें आई हैं और बस में करीब 40 से 45 यात्री सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है और साथ ही बस क्रेन बुलवा कर खाई से निकलवाई गई है, और घटना करनेलगंज कोतवाली के भमुआ चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। बता दें आपको गोंडा से खबर है, जहां पर डबल टेकर
देकर ही बस जो है वो खाई में जा गिरी है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 15 यात्री घायल हो गए हैं। डबल डेकर बस खाई में गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। 15 यात्री इस हादसे में घायल हो गए हैं। फिलहाल घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। महाराजगंज के कोल्हई थाना क्षेत्र के ही बहुवाली टोला रायपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। आपको बता दें कि जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। वहीं गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल तैनात कर दिए हैं और जानकारी के अनुसार एक पक्ष पारस और दूसरा पक्ष राम बेलास में काफी दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके बाद एक बार फिर से पुरानी रंजिश को देखते हुए कहा सुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के सौजन भी भिड़ गए और जिसमें खूब लाठी डंडे चले हैं और पारस को गंभीर चोट लग गई है। बता दें आपको कि दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल भी हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पारस को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया और जहां पर बताया जा रहा है कि सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल रेफर भी कर दिया गया है, जहां इलाज के दौरान पारस की मौत भी बताई जा रही है। बता दें आपको कि वहीं इस घटना से पूरे गांव में सनसनी मच गई है। मामला बढ़ता देख गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिससे किसी प्रकार का विवाद ना हो सके। और इस संबंध में घटनास्थल पर पहुंचे एएसपी आतिश कुमार सिंह ने बताया है कि दो पक्षों की मारपीट में एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले को गंभीरता से लेकर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये थाना कोल्हई क्षेत्र में मवारी टोला पड़ता है, इसमें ग्राम रायपुर है। इसमें कल दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इसमें एक पक्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति की दौरान इलाज अभी डेथ हो गई है। उन्हें CSC ब्रिजमनगंज से फिर रेफर किया गया था। इसमें उनके परिवारजनों द्वारा 5 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें अधिकांश व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो शेष हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। विवेचक को निर्देशित किया गया है कि इस पूरे प्रकरण में सतर्क दृष्टि अपनाए रखें और अगर पूर्व में कोई इस तरह का विवाद है तो उसके बारे में भी जानकारी कर आवश्यक कार्रवाई करें। और इसी खबर पर हमारे साथ अजय जयसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। मैं आपको बता दूं कि मामला महाराजगंज जिले के जनपद कुल्ही के मवारी टोला रायपुर का है, जहां काफी सालों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें आप दोनों पटीदार थे, आपस में काफी सालों से विवाद चल रहा था। हेलो जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। श्रावस्ती में कच्ची शराब कारोबारियों के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान चलाया गया है और DM नेहा प्रकाश के आदेश पर आबकारी विभाग ने अभियान चलाया है। आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने आपको बता दें कि जमुनवा और इकोना में छापेमारी की है। वहीं टीम ने ये भी भयापुरवा के जंगल से छापेमारी में कच्ची शराब और लहन बरामद किया है। टीम को 55 लीटर अवैध कच्ची शराब और 150 किलो लहन मौके से बरामद हुआ है। वहीं 2 लोगों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आबकारी अधिकारी PK गिरी ने बताया है कि प्रवर्तन अभियान लगातार जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ श्रावस्ती से हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। जी, आपको बताना चाहते हो, जिलाधिकारी नेहा प्रकाश के आदेशानुसार जनपद श्रावस्ती में अवैध मादक पदार्थों पर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध शराब के विरुद्ध भी चलाया जा रहा है अभियान। इसके अंतर्गत आबकारी निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह और उमा शंकर चौधरी की संयुक्त टीम द्वारा थाना भिंगा के भयापुरवा में दबिश दी गई। दबिश के दौरान 55 लीटर शराब बरामद की गई, जो छिपाकर रखी गई थी, और 1.5 किलोग्राम लहन भी बच्चे से बरामद किया गया, जिसको आबकारी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा नष्ट कराया गया और 2 अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार कोशिश जारी है। जी
जी सूर्य, ये गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है या फिर अभियान चलाया जा रहा है, और ऐसी कार्रवाई और कहां कहां की गई? जी आपको बता दे रहे हैं, जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने आबकारी विभाग को आदेश दे रखे हैं कि लगातार अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई करें और अवैध जो शराब बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग जनपदों में समानुसार ये खबरें भी आते हैं कि अवैध शराब से लोग एक्सपायर हो रहे, मतलब मृत्यु हो जा रही है, और उसके आयात और निर्यात पर लगातार रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया है, जिसके अंतर्गत यह कार्रवाई लगातार जारी है। जी जय सूर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कच्ची शराब कारोबारियों के विरुद्ध जो है वो अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि डीएम नेहा प्रकाश के आदेश पर आबकारी विभाग ने अभियान चलाया है, और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम, आपको बता दें कि उसके द्वारा ही छापेमारी भी की गई है, और टीम ने जंगल से छापेमारी में कच्ची शराब और लहन बरामद किया है। टीम को 55 लीटर अवैध कच्ची शराब और 150 किलो लहन मौके से बरामद हुआ है। वहीं दो लोगों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई है। आबकारी अधिकारी की अगर बात करें, पीके गिरी ने यह जानकारी दी है कि परिवर्तन अभियान लगातार जारी है और ऐसी ही कार्रवाई होती रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।